मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में ईओडब्ल्यू ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है। ईओडब्ल्यू ने आज सोमवार 8 अगस्त को सुबह आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के सहायक प्रबंधक के निवास और कार्यालय पर छापेमार कार्रवाई की है। यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईओडब्ल्यू द्वारा की गई है। शुरुआती जांच में करोड़ों की बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ। बता दें कि यह दूसरा मौका है जब शहर में ईओडब्ल्यू ने रेड मारी है। इससे पहले नगर निगम के सहायक यंत्री आदित्य शुक्ला के घर पर छापा पड़ा था। दरअसल आय से अधिक संपत्ति मामले में आज सोमवार सुबह ईओडब्ल्यू ने आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के सहायक प्रबंधक पन्नालाल उइके के कुंडा स्थित निवास पर सर्चिंग की कार्रवाई की है। शुरुआती जांच में ही पन्नालाल के पास उनकी आय से तकरीबन 218% अधिक संपत्ति होना पाया गया है। आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो की सर्चिंग कार्रवाई अभी भी जारी है। ईओडब्ल्यू को अभी तक सर्चिंग के दौरान करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति पन्नालाल के पास से मिली है। ईओडब्ल्यू एसपी देवेंद्र सिंह के निर्देश पर आरोपी पन्नालाल के खिलाफ धारा 13(1) और 13(2) के तहत डीएसपी एवी सिंह, निरीक्षक समरजीत सिंह धामी, निरीक्षक प्रेरणा पांडे, निरीक्षक मोमेंद्र मर्सकौले, उप निरीक्षक गोविंद सिंह मौके पर मौजूद होकर सर्चिंग कार्रवाई कर रहे हैं। एसपी देवेंद्र सिंह का कहना है कि जांच के दौरान अभी और भी संपत्ति उजागर होने की उम्मीद है।